बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज अहमद काजी, सीईओ मेसर्स डबल ए काजी एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान और एक्ससीसी मेंबर आबाद हैदराबाद में सिंध प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल एक्सपो 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने जा रहा है, जो अब्दुल्ला माल में जो रिजवान काजी साहब ने अरेंज किया है। पहले तो मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट वो मुनक्कद करने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं। इससे हमारी पब्लिक को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हैदराबाद अब वो हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद मिनी सिंध है, जहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला से लोग रह रहे हैं काफ़ी सालों से। सिंध प्रॉपर्टी एक्सपो बिल्डिंग मटेरियल होने जा रहा है, इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे, ख़ास करके स्पेशली जो कम्युनिकेशन गैप है। जैसे हैदराबाद में उस लेवल का पहले मयारी प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल नहीं दस्तयाब था, उससे ये फ़ायदा होगा और लोगों की जो मेंटल अप्रोच लेवल है वो बढ़ेगी और वो हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें लगाने के लिए इजी एक्सेस हो जाएगा। और इससे जो मेन बिल्डर को फ़ायदा होगा और पब्लिक को फ़ायदा होगा कि शहर के जितने भी बिल्डिंग्स बनेंगे, पब्लिक उनमें वही डिमांड करेगी अच्छे किस्म का मटेरियल लगे। सपोज़ जैसे स्टील के बारे में, स्टील वाले अगर अपना स्टाइल लगाते हैं तो बिल्डर के साथ साथ पब्लिक को भी ये पता लगेगा कि स्टील कौन सी ग्रेड का है और ये कौन सी कंपनी का है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये किस तरीके से इसका बर्निंग होती है और कितनी टेम्परेचर पे होती है। तो ये फ़ायदा होगा। टाइल्स वाले वो भी मुख्तलिफ कंपनीज है, जैसे कराची में बड़ी बड़ी कंपनीज है इंटरनेशनल, वो भी यहाँ आ रही हैं। काजी साहब ने उनको भी अपने ताल्लुकात की वजह से मदु किया है, ये इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अभी वो अपने दरवाजे पे आ रही हैं, घर में आ रही हैं, तो इससे उनको देखने का, उनको परखने का और उससे फ़ायदा लेने का काफ़ी बड़ा मौका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए और मैं काजी रिजवान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आबाद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंध आर्किटेक्ट एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हैदराबाद की आवाम का और ये बिज़नेस कम्युनिटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 29-30 पहली को अब्दुल्ला माल हैदराबाद में लाजमी शरीक हों, उनके लिए फ्रूटफुल होगा, इससे आवाम को, पब्लिक को स्पेशली ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये इवेंट बड़ा फ्रूटफुल होगा।